अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज के दिन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, तो मैंने सोचा एक कंबाइन वीडियो बनाकर आपको तीन अपडेट्स के बारे में आगाह कर दूं, क्योंकि ये तीनों अपडेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो बगैर टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आई है वो मैट्रिक एफ ए आई कॉम के तलबा के लिए आई है। उनके जितने भी स्टूडेंट हैं जिन आटम 2021 के एडमिशन भेज रहे हैं, तो उसके एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर 2021 है, यानी कि आपके एडमिशन में दो दिन बाकी हैं। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है फ्रेश एडमिशन, तो वो 14 अक्टूबर 2021 तक मैट्रिक एफ ए आई कॉम के अंदर एडमिशन ले सकता है। इसके बाद जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाएंगे और दोबारा 15 जनवरी को ओपन होंगे। उसके अलावा दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया है। नोटिस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि रीजनल ऑफिस जाना चाहते हैं या वो ट्यूटर जो कि रीजनल ऑफिस जाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो उनके लिए दो चीज़ें लाजमी होगी, एक मार्क्स और दूसरा वैक्सीनेशन कार्ड। जो स्टूडेंट रीजनल ऑफिस जाता है और उसके पास मास्क और वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होगा, तो उसको रीजनल ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और आप ये बात एग्जाम के लिए ना लें, एग्जाम के लिए वैक्सीनेशन कार्ड बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। विदाउट वैक्सीनेशन कार्ड आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मास्क वहां पर आपने लाजमी लेकर जाना है। तीसरी अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तीसरी अपडेट्स जो आई है वो वर्कशॉप के हवाले से आई है, तो इसी अपडेट्स को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। काफ़ी ज़्यादा मास्टर स्टूडेंट मुझसे पूछते थे कि सर वर्कशॉप कब से स्टार्ट हो रही है, वर्कशॉप कब से स्टार्ट हो रही है। तो फाइनली अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा कोर्स मुख्तलिफ डिफरेंट कोर्स का जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है। ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनका जो अपडेट हुआ है शेड्यूल वो उनके LMS अकाउंट के ऊपर अपडेट हुआ है, और काफ़ी स्टूडेंट का ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल जो कि वेबसाइट के ऊपर लिंक है उसके ऊपर अपडेट हुआ है। शेड्यूल के मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 से MA उर्दू की काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना LMS का अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पर आपने अपने तमाम कोर्स चेक करने हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो कोर्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं, अपडेट किस तरह उनके ऊपर टाइम एंड डेट न्यू शो हो रहा है। तो आपने अपना LMS अकाउंट चेक करना है, वहाँ पर चेक करने के बाद अपना तमाम कोर्स आपने देखने हैं, तमाम कोर्स के ऊपर डेट एंड टाइम देखने हैं। उसके अलावा दूसरा जो आपने काम करना है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन वाला, उसके ऊपर आपने क्लिक करके वहाँ पर अपना रोल नंबर देकर आपने अपना जो शेड्यूल है उसको हासिल कर लेना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ से क्लिक करके उस पेज के ऊपर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और उसके अलावा कंप्लीट जो समरी है वो भी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया, वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितने बैच हैं। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि एक बैच की वर्कशॉप 14 अक्टूबर से स्टार्ट होती है, दूसरी बैच की जो वर्कशॉप है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, तो इसी तरह आपने अपना कोर्स देखते रहना है। तो फाइनली अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मास्टर की वर्कशॉप को शुरू कर दिया है। तो ये तीन अपडेट्स आई हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर आपको तमाम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की न्यूज़ और वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।